What's up everyone, welcome to Raja Explorer, this is Anirban. Hope you guys are doing perfectly fine. I'm sorry guys, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हर वीक दो वीडियो आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऑफिस का थोड़ा काम था और साथ में एक बड़ा सा ट्रिप का प्लान कर रहा हूँ, तो उसी लिए थोड़ा बिजी हो गया, बारिश भी हो रहा है तो ट्रैवल नहीं कर पाया और एक हफ्ता और लगेगा मुझे सब कुछ सेटल करने के लिए. तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, साथ में थोड़ा फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स और लाइफस्टाइल वीडियोस भी बनाता हूँ. तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, तो मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मैक्रो लेंस के बारे में. क्या है मैक्रो लेंस, चलिए देखते हैं. सो ये है लावा 1.1 15 mm मैक्रो लेंस. हालांकि मैं ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर चुका हूं और मैं यूज़ भी कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये लेंस के बॉक्स के साथ क्या क्या आता है. तो चलिए आपको दिखाते हैं मेरे स्टाइल पे. ये जो आप देख रहे हो लावा का लेंस है मेरे हाथ पे और मैंने इसको यूज़ किया लास्ट दो हफ्ते से. मैं इसके जो खासियत है ये मैं तीन स्टेप में बताने वाला हूँ. फर्स्ट स्टेप होगा इसका बिल्ड क्वालिटी, सेकंड स्टेप होगा कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, थर्ड स्टेप मैं कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ आपको दिखाऊँगा, उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि एफ स्टॉप क्या था, शटर स्पीड क्या था और एपरेचर क्या था. तो लावा का ये जो लेंस है ये 15 mm 1.1 मैक्रो लेंस है, जो वाइड एंगल मैक्रो लेंस. इसमें कोई भी मोटर नहीं है कि आपको ऑटो फोकस वगैरह मिलेगा, तो ये कंप्लीट मैनुअल लेंस है. तो फर्स्ट स्टेप जो है इसका बिल्ड क्वालिटी, तो इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ. क्योंकि ये लेंस पूरा मेटल बॉडी है, 400 ग्राम्स इसका वेट है. तो ये है लेंस, इसमें एक अपर्चर एडजस्ट करने का रिंग है जो कि 4 से 32 तक जाता है, और दूसरा रिंग जो है फोकस करने का रिंग है. तो ये फोकस करने का रिंग जब आप यूज़ करते हो तो लेंस थोड़ा बाहर की तरफ आता है, ये देखिए लेंस थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है और फिर अंदर जाता है. और ये 1.1 मैक्रो सपोर्ट करता है, विच इज़ वेरी नाइस. तो मैक्रो शॉट्स होता क्या है, मैक्रो शॉट्स बेसिकली वो होता है कि कोई भी छोटा सा चीज़ जिसको आप बड़ा करके दिखा सकते, जैसे कि हम कीड़े मकोड़े और फूलों का तस्वीर लेते हैं और उसको थोड़ा लार्ज करके दिखाने का कोशिश करते हैं. तो इस लेंस में टोटल 14 एपरेचर ब्लेड्स हैं. जैसे ही मैं एपरेचर ज़्यादा करता हूँ, लाइक 32 पे है अभी, तो ये जो होल है ये काफ़ी छोटा हो गया, और जैसे ही मैं एपरेचर को कम करता हूँ लाइक 4 पे लेके आ जाता हूँ तो ये होल थोड़ा बड़ा हो गया. मैं ऑलरेडी एपरेचर, शटर स्पीड और ISO के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ. जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ मैं वीडियो आई बटन में इधर दे देता हूँ, प्लीज़ देख लीजिए, तो फिर आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. इसका जो सरफेस है इसका डायमीटर 77 mm है, तो आप इजीली कोई भी फिल्टर इस पर लगा सकते हो. एंड दिस लेंस फिट इन बोथ APS-C सेंसर्स एंड फुल फ्रेम कैमराज. इस लेंस का और एक खासियत है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ. इस लेंस में आता है एक शिफ्टर, ये जो लैच है इसको आपको प्रेस करना है, प्रेस करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो. तो बेसिकली ये लैच को आपको प्रेस करना है और आप इसको शिफ्ट कर सकते हो. बीच में आया, सो इस लैच को प्रेस करना है, आप इसको नीचे ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो और बीच में भी ला सकते हो. सो ये सैम्पल है कि नॉर्मल शिफ्ट और शिफ्ट डाउन में क्या डिफरेंस आता है. नॉर्मली ये जो शिफ्टिंग मैकेनिज्म है ये काफ़ी कॉस्टली लेंस में आता है, जैसे कि कैनन का L सीरीज़ का कुछ लेंस में आता है, बट ये लेंस में ये मिल रहा है तो काफ़ी अमेजिंग है. मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ डे टाइम में एंड नाइट टाइम में. नाइट टाइम में मैं लाइट रील्स लेता हूँ. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी पता है, जो नहीं फॉलो करते हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए, मेरा लिंक यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ोटोज़ दिखेंगे वहाँ पे, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डायरेक्ट DM में पूछ भी सकते हैं. मैंने सारे फ़ोटोज़ पे एफ स्टॉप, ISO और शटर स्पीड क्या था वो तो मैंने मेंशन कर दिया है, और इस फुटेज के एंड में आपको कुछ लाइट रेल्स के फ़ोटो दिखेंगे जो मैंने रात में खींचा था. तो अगर आपको फ़ोटोज़ पसंद है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना दूंगा. तो ये जो लेंस था ये था वेनस ऑप्टिक्स के तरफ से लावा 15 mm 1.1 मैक्रो लेंस, जो मुझे दिया था फोटो सर्कल ने टेस्ट करने के लिए.
तो अगर आप ये लेंस लेना चाहते हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट फोटो सर्कल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे आप डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर बैंगलोर में हो तो उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, अगर आपके नियरेस्ट कोई ब्रांच है तो वहाँ पे जाके आप ख़रीद भी सकते हो। प्राइस है इसका 34,800 रुपीज़, जो कि लेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जो चीज़ मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं एंड में कुछ बताने वाला हूँ, तो वो ये है, पहले मैंने बताया था कि थर्सडे एंड संडे वीडियोज़ आएगा, अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, बट अभी मैं कोशिश करूँगा हर ट्यूसडे एंड सैटरडे वीडियो डालने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे मेरा फेस दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जिन लोगों को ड्रोन उड़ाने का शौक है, मैं ड्रोन का कुछ वीडियोज़ एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अच्छे रहिए, हंसते रहिए।